है दोस्तों, एजुकेशन वुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा लेक्चर है हाउ टू डिसाइड मोल्ड की हाइट और द शट हाइट। मोल्ड की हाइट को या फिर शट हाइट को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं अबाउट द कैलकुलेशन कि भाई किस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे मोल्ड की हाइट को। उससे पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो उनको एक बार आपको देखना जरूरी है। तो मैं आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, वहां से आप प्लेलिस्ट को देख सकते हो। राइट, देखो तो बेसिक मोल्ड बेस के बारे में हमको पता है कि टॉप प्लेट और कैविटी प्लेट से मिलकर फिक्स्ड हाफ बना होता है। ठीक है, कोर प्लेट, बैक प्लेट और स्पेसर और बॉटम प्लेट से मिलकर मूविंग हाफ क्रिएट होता है। राइट, अगर मैं दोनों हाफ को अगर मिला दूं तो मेरा बनेगा शट हाइट। ठीक है, मोल्ड की हाइट। लेकिन हमेशा मोल्ड की हाइट या शट हाइट की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो वो हमेशा क्लोज कंडीशन में होता है। तो दिस इज द क्लोज कंडीशन, राइट, लाइक दिस। तो दिस इज द क्लोज कंडीशन। तो क्लोज कंडीशन में हम लोग मोल्ड की शट हाइट को कंसिडर करते हैं। राइट, चलिए देखते हैं। तो मोल्ड की शट हाइट जनरली डिपेंड करती है मोल्डिंग मशीन के ऊपर, जो भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और अगर मोल्ड की हाइट की अगर बात करूं तो बेसिकली वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। वो कैसे, देखो, कूलिंग चैनल डायमीटर के ऊपर एंड द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की ओपन और क्लोज लिमिट के ऊपर, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। कैसे वो समझते हैं। ठीक है, देखो, डिपेंडिंग अपॉन द कूलिंग चैनल डायमीटर। अब कूलिंग चैनल के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी मोल्ड की हाइट, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कोर और कैविटी की थिकनेस का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जांपल एक कोर और कैविटी की प्लेट ले ली। ठीक है, तो जो ऊपर वाली प्लेट दिख रही है वो है कैविटी प्लेट, नीचे वाली प्लेट जो दिख रही है वो कोर प्लेट है। राइट, अब इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट को प्लेस करता हूं। ठीक है, तो दिस इज द कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है। राइट, अब इस कंपोनेंट को कोर और कैविटी में अगर मैं प्लेस करूंगा तो मुझे कूलिंग चैनल भी यहां पर लगाना पड़ेगा। राइट, तो चलो कूलिंग चैनल को प्लेस करते हैं। देखो ये हमारे पास कूलिंग चैनल है। राइट, अब देखो क्या होता है, कूलिंग चैनल कितने डिस्टेंस में मुझे रखना है किसी कैविटी के फेस से। राइट, तो ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर कूलिंग चैनल का जो डायमीटर है वो है ए, है ना, एग्जांपल के लिए कि कूलिंग चैनल का डायमीटर ए है। तो मैंने जो डिस्टेंस रखा है कूलिंग चैनल के सेंटर से लेकर कैविटी के फेस तक का, वो है 2a। ठीक है, वो है 2a। अब एक कूलिंग चैनल से लेकर दूसरे कूलिंग चैनल के सेंटर का जो डिस्टेंस रहेगा वो मैंने रखा है 2a। ठीक है, 2 into a। राइट, इसी तरह से कैविटी का जो लास्ट फेस है या फिर लास्ट फेस आप बोल सकते हो, वहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी मैंने क्या रखा है, 2a, कैविटी और कोर दोनों के लिए। राइट, तो दिस इज द डिस्टेंस। अब मैं अगर यहां पर मान के चलता हूं मेरे जो कंपोनेंट का जो हाइट है वो है h, कंपोनेंट का जो हाइट है वो है यहां पर h। तो अगर मैं बोलूं कि कैविटी की थिकनेस कितनी होगी, देखो भाई, तो कैविटी की थिकनेस होगी 2a + 2a + h। राइट, और अगर कोर की थिकनेस की बात करूं तो कोर की थिकनेस हमारे पास क्या होगी, वो होगी 2a + 2a। ठीक है, इस तरह से इसकी थिकनेस होगी। तो दिस इज द थिकनेस फॉर द कैविटी एंड द कोर। राइट, तो अगर एग्जांपल लेता हूं मैं कि ए का जो डायमीटर है, कूलिंग चैनल का जो डायमीटर है वो 10 है। ठीक है, देन तो 2a कितना होगा, वो होगा 20, वो होगा 20। राइट, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द कोर की थिकनेस और द कैविटी की थिकनेस। इस तरह से एक सिंपल से फॉर्मूले से हम लोग कोर की थिकनेस और कैविटी की थिकनेस को निकालते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग देखेंगे कंप्लीट एक मोल्ड के लिए कि भाई कंप्लीट मोल्ड की शट हाइट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। राइट, तो अभी हम लोगों ने कोर और कैविटी को समझा, अब उसी तरह से मैं कंप्लीट मोल्ड बेस को ले लेता हूं। ठीक है, जिसके अंदर हमारी कोर प्लेट, कैविटी प्लेट, बैक प्लेट, स्पेसर एंड टॉप एंड बॉटम प्लेट है। राइट, ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने कंपोनेंट को प्लेस कर दिया है, उसी तरह से यहां पर मैं कूलिंग चैनल लूंगा जिसका डायमीटर ए है। राइट, ठीक है, कंपोनेंट की जो हाइट है वो है एच। ओके, यहां पर देखो कंपोनेंट की हाइट अगर h है और अगर कूलिंग चैनल का डायमीटर a है, तो यहां तक का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द कंपोनेंट फेस, कंपोनेंट के फेस से लेकर वहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 4a। राइट, 4a। इसी तरह से कोर प्लेट का जो थिकनेस होगा वो होगा 4a। ठीक है, अगेन कोर बैक प्लेट का जो थिकनेस होगा वो 4a होगा। राइट, अब बात करते हैं स्पेसर ब्लॉक की। अब देखो स्पेसर ब्लॉक में बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो होती है कंपोनेंट की हाइट। बट कंपोनेंट बेसिकली स्पेसर क्या प्रोवाइड कराता है, इजेक्टर ग्रिड को एक स्पेस प्रोवाइड कराता है ताकि वो कंपोनेंट को इजेक्ट कर सके। राइट, तो दैट्स व्हाई हमको इसके अंदर कंपोनेंट की हाइट को ऐड करना पड़ता है प्लस क्लियरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर कंपोनेंट की हाइट प्लस इजेक्टर ग्रिड प्लस 10 mm। राइट, दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला। राइट, और अगर टॉप और बॉटम प्लेट की अगर मैं बात करूं तो वो जो मिनिमम थिकनेस है, अगर एग्जाम्पल के लिए मोल्ड बेस के अंदर मिनिमम थिकनेस कितनी है, 4a, तो उसमें से -10% हम लोग कर सकते हैं, तो विच इज द टॉप प्लेट एंड द बॉटम प्लेट। राइट, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग,
भाई जो ए का जो कूलिंग पाइप का जो डायमीटर है वो हम लोगों ने लिया है 10 का डायमीटर, राइट। ठीक है, अगर मैं कंपोनेंट की हाइट की बात करूं तो कंपोनेंट की हाइट एग्जांपल के लिए 25 mm है, राइट। तो बाय द फॉर्मूला कैविटी प्लेट जो रहेगा वो रहेगा 65। एक बार कैलकुलेट करके देख लो भाई, कंपोनेंट की हाइट एच है, राइट। 4 इंटू ए, व्हाट इज द ए, 10, तो 4 इंटू ए 40 प्लस एच मतलब 25 अबाउट टू 65, राइट। तो कैविटी प्लेट हो गई 65, कोर प्लेट हो गई 40 mm, ठीक है। कोर बेक प्लेट हो गई 40 mm, उसी तरह से इजेक्टर ग्रिड हो गई 12 प्लस 17 mm, राइट। स्पेसर जो हुआ वो हुआ 64 mm, एक बार कैलकुलेट करके देख लो, राइट। स्पेसर 64 mm, उसी तरह से टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट हुई वही 36 mm। कैसे? क्योंकि 40 mm का हमारा मिनिमम प्लेट है, 10% अगर उसमें से माइनस करोगे, 40 का 10% कितना हो गया 4 mm, अगर वो माइनस करोगे तो यू विल गेट द 36 mm, राइट। तो ये बेसिकली हमको क्या मिला है, ये मिला है कंप्लीट एक मोल्ड की शट हाइट, कंप्लीट एक मोल्ड की शट हाइट, ठीक है। दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन, इसका इस्तेमाल करके आप मोल्ड के बेस को क्रिएट कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो हमारी जो शट हाइट क्रिएट हुई है टोटल, जब मैं सभी को कैलकुलेट करूंगा तो मुझे वो मिला है 281। हाउ मच? 281, राइट। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि भाई शट हाइट जो होती है वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के ऊपर भी डिपेंड करती है ना, लेकिन ओपन और क्लोज लिमिट के ऊपर। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की बात करूं तो ये हमारे पास इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। अब क्या होता है कि जो भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का डाटा होता है उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है हमको, तो विच इज द गिवन डाटा, ठीक है। तो मैक्सिमम मोल्ड की हाइट कितनी है उसके अंदर दे रखते हैं कि भाई 320 mm है एग्जाम्पल के लिए, राइट। मिनिमम मोल्ड की हाइट कितनी है 180 mm के आसपास, ठीक है। एक थंब रूल हम लोग समझते हैं कि भाई नोट, अगर मैं बोलूं कि एक थंब रूल है कि मोल्ड की हाइट शुड बी मोर देन 1/3 ऑफ मैक्सिमम डेलाइट ऑफ मोल्डिंग मशीन, इसका मतलब यह हुआ मोल्डिंग मशीन जितना भी ओपन होता है, मैक्सिमम जितना भी ओपन होगा उसका 1/3 से ज्यादा होना चाहिए। 1/3 मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल 600 mm अगर मशीन खुलेगी तो डिवाइड बाय 3 मतलब 200, तो 200 mm से ज्यादा हमारी मोल्ड की शट हाइट होनी चाहिए, राइट। ठीक है, तो हमारे मोल्ड की जो शट हाइट निकली है वो निकली है 281। इसका मतलब जो हमारी जो शट हाइट है वो बिल्कुल सही है, राइट। मतलब ये हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आसान है। तो यहां पर हमारे पास एक कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट के लिए हम लोग निकालेंगे शट हाइट कितनी निकलेगी, राइट। तो मोल्ड की लेंथ और विड्थ हम लोग निकाल चुके हैं कि मोल्ड की लेंथ और विड्थ कैसे निकालते हैं, उसके लिए पिछला वाला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, है ना। पिछला लेक्चर अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि लेंथ और विड्थ कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग इसकी शट हाइट को निकालेंगे जैसा अभी हम लोगों ने प्रोसीजर देखा, ठीक है। तो देखो पहले तो मैंने यहां पर एक प्लेन लिया है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको एक बार सेक्शन व्यू काटता हूं, कंट्रोल एच करके एक बार सेक्शन व्यू काटा लाइक दिस, ठीक है। तो मेरा जो एक पार्टिंग लाइन होगा या पार्टिंग सरफेस होगा वो मेरा यहां पर होगा, राइट, यहां पर होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, इसका यहां पर पार्टिंग, तो कोर और कैविटी मेरा बन जाएगा, राइट। तो दिस इज द कोर और कैविटी लेंथ एंड विड्थ, ठीक है, कोर और कैविटी लेंथ एंड विड्थ। अब मुझे इसका क्या निकालना है, शट हाइट को निकालना है। चलो भाई शट हाइट निकालते हैं। तो ये मेरा हो गया कोर प्लेट। अब देखो कोर प्लेट कैसे हुआ, कितना हुआ 24 mm। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं कितने का पाइप ले रहा हूं, या फिर 8 mm का पाइप ले रहा हूं, या फिर कितने का भी पाइप ले रहा हूं, राइट, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए, राइट। अभी मान के चलो कि भाई इसका मैंने कैविटी प्लेट लिया है, तो कैविटी प्लेट मैंने कितना लिया है भाई, देखो 27.5 प्लस 12 प्लस 12, दिस इज द, ठीक है, 12 mm इज नथिंग बट इट मे बी इट इज द थिकनेस ऑफ द कंपोनेंट, या फिर बोल सकते हो हाइट ऑफ द कंपोनेंट बोल सकते हो, राइट। तो मैंने इस तरह से लिया डिपेंडिंग अपॉन द कूलिंग पाइप, राइट। अब इसमें से कोर और कैविटी को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारा कोर और कैविटी बन के तैयार हो जाएगा भाई, राइट, ज्यादा कोई कठिन चीज नहीं है, ठीक है। तो कोर और कैविटी हम लोग बना लेते हैं ना, सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द कोर एंड कैविटी, ठीक है, दिस इज द कैविटी एंड दिस इज द कोर। इसको मैं यहां पर से हाइड कर देता हूं एक बार लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। अब कंप्लीट मोल्ड बेस बनाते हैं भाई, देखो जरा समझने की कोशिश करना किस तरह से हम लोग मोल्ड बेस को क्रिएट करेंगे, राइट। चलो अब हम लोगों ने इसको एक्सट्रूड करा, चलो ये वाले पोर्शन को मैं एक बार बना लेता हूँ, लेकिन कोर और कैविटी का पोर्शन है ये, तो इसके लिए हमको इंटरलॉक बनाना पड़ता है, ठीक है। इंटरलॉक के बारे में मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में, ठीक है, कि इंटरलॉक को हम लोग किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसके अंदर इस तरह से क्रिएट करता हूँ, सी दिस इज द इंटरलॉक इंटू द कैविटी प्लेट, सॉरी कोर प्लेट, और यहाँ पर इंटरलॉक इसके अंदर से क्रिएट करता हूँ लाइक दिस, ठीक है, दिस इज द कैविटी प्लेट। तो कोर और कैविटी प्लेट के बीच में क्या बना है, हमारा इंटरलॉक बना है जिससे इसको एक सेंटर अलाइनमेंट प्रोवाइड होगा, है ना, सेंटर अलाइनमेंट जिससे हम लोग उसको देंगे।
ठीक है। तो दिस इज द इंटरलॉक, ठीक है, सिंपल सा इंटरलॉक भी बनाया हम लोगों ने। उसके बाद है इसके ऊपर टॉप प्लेट, सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द टॉप प्लेट, राइट। उसके बाद है यहां पर, चलो इसमें मैंने क्या दे दिया है, यहां पर कुछ पोर्शन बना दिया है, दिस इज नथिंग बट दिस क्लैंपिंग स्लॉट, दिस इज नथिंग बट दिस क्लैंपिंग स्लॉट, राइट। तो मिनिमम 20 mm आप ले सकते हो, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्पेसर, ठीक है। अब देखो स्पेसर जब आप इसको क्रिएट करते हो ना, तो इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। देखो कैसे कि अगर मान के चलो आपका जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट की यहां से लेकर और कंपोनेंट के एज तक का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 15 से 20 mm होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई इजेक्टर पिन अगर प्रोवाइड कराता हूँ तो उसका कॉलर थोड़ा सा दूर तक आएगा, राइट। तो दैट्स व्हाई इसकी डिस्टेंस हमेशा इस तरह से मेंटेन करके रखना चाहिए, राइट, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है। अब है स्पेसर, बाय द फॉर्मूला आप स्पेस का लेंथ डिसाइड करो भाई कि किस तरह से डिसाइड होगा, राइट। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया है, बॉटम प्लेट ले लिया है, ठीक है, और इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट ले लिया है। इसके अंदर चाहो तो स्पेसर में एक और चीज ऐड हो सकती है, विच इज द रेस्ट बटन, जो कि इजेक्टर ग्रिड के पीछे होता है, विच इज द रेस्ट बटन। तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास कंप्लीटली एक बन चुका है मोल्ड बेस, ठीक है। यहां से जो कर्व वाले पोर्शन है इसको हम लोग हटा देते हैं भाई, इसकी हमको अभी आवश्यकता नहीं है, लाइक दिस, ठीक है। कर्व वाले पोर्शन को मैंने हटा दिया है, ठीक है, और एक मैंने रेफरेंस कट दे दिया है, सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द रेफरेंस कट। यहां पर जो आपको साइड में रेफरेंस कट दिख रहे हैं वो रेफरेंस कट है, वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि मोल्ड की जो असेंबली हो वो सही तरीके से हो, राइट। चलो कंट्रोल एच करके, कंट्रोल जे करके इसको मैंने सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं, लाइक दिस। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द कंप्लीट मोल्ड बेस, ठीक है। तो इस तरह से आप कंप्लीट मोल्ड बेस क्रिएट कर सकते हो, बट विदाउट कैलकुलेशन कभी भी मोल्ड को डिजाइन नहीं करना है, ठीक है। कभी भी आप मोल्ड को डिजाइन करो तो विद द कंप्लीट कैलकुलेशन, मोल्डिंग का डाटा होना चाहिए, लेंथ और विड्थ डिसाइड करो, मोल्ड की शट हाइट के लिए भी कैलकुलेशन करो, ठीक है। अभी मैंने आपको कूलिंग पाइप को डायमीटर को कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं या फिर किस तरह से हम लोग कूलिंग पाइप का डायमीटर डिसाइड करते हैं उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, राइट। तो वो जो रहेगा वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा कि भाई कूलिंग पाइप के डायमीटर को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं और कितना डायमीटर हम लोग लें, कि किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने कितने डायमीटर हम लोग लेंगे, राइट। तो कूलिंग पाइप का डायमीटर डिपेंड करेगा कूलिंग के ऊपर कि भाई किस तरह की कूलिंग उसके अंदर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वो सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।